पीएनजीसी न खुलने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। फैसले पर अमल दरामद न होने को अदालत के मुंह पर थप्पड़ करार देते हुए सेक्रेटरी साहब को 6 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, पीएनजीसी के ताले तोड़कर रजिस्ट्रार को बिठाया जाए, वजीरों और आला हुकाम को जेल भेज दूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर पीएमडीसी के ताले खोलने का हुक्म दे दिया। वजारत सेहत में नए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कायम डेस्क बंद करके डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन का इख्तियार पीएमडीसी को सौंप दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पीएमडीसी बहाल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत अदालत के मुंह पर थप्पड़ मार रही है, अभी जाएं और पीएमडीसी के ताले तोड़कर रजिस्ट्रार को उनके दफ्तर में बिठा कर आएं। सेक्रेटरी सेहत की अदम हाजिरी पर जस्टिस मोहसिन ने रिमार्क्स दिए कि उनको 6 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म देता हूं। SHO जाएं और सेक्रेटरी हेल्थ को गिरफ्तार करके जेल भेजें। इमरजेंसी में वफाकी हुकूमत जो काम कर रही है वो तबाहकुन है। सेक्रेटरी से कहें कोरोना टेस्ट करवा के आए, मैं उन्हें आज ही जेल भेजूंगा। अदालत ने वजारत सेहत में नए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कायम डेस्क भी बंद करते हुए जिम्मेदारी पीएमडीसी को सौंप दी है।